हेलो किसान भाई, आप सभी का हमारे चैनल एसएनटेक एग्रीकल्चर में स्वागत है। किसान भाई, जैसे कि आप लोगों को पता है कि पूसा बासमती चावल की डिमांड काफ़ी ज़्यादा आ रही है, बाहर के देशों में भी काफ़ी ज़्यादा डिमांड आ रही है पूसा बासमती चावल की। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले पूसा बासमती की टॉप टू वेरायटी के बारे में। टॉप टू वेरायटी कौन सी है, अगर आप इनका उत्पादन इनका काफ़ी अच्छा निकल करके आ रहा है और आप इनका चयन करते हो तो आप अपनी धान की फसल से बहुत ही अच्छा पैदावार ले सकते हो। तो इस वीडियो का पूरा अंत जरूर देखिएगा, आपको ऐसी टॉप टू वैरायटी में बताने वाला हूँ जिनका आप चयन करके अपनी धान की फसल से बेहद अच्छा पैदावार ले सकते हो। जो हमारे किसान भाई हमारे चैनल पर नए हैं वो कृपया करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे हमारे आने वाले अन्य काफ़ी ज्ञानवर्धक वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते हैं, वो काफ़ी ज्ञानवर्धक वीडियो देखते रहें। तो आइएगा हम शुरू करते हैं किसान भाई की पूसा बासमती की टॉप टू वैरायटी। सबसे पहले जो वैरायटी है किसान भाई वो है 1509 पूसा बासमती 1509। ये काफ़ी ज़्यादा फेमस वैरायटी किसान भाई की पहली पसंद वैरायटी बनी हुई है। पिछले साल हमारे काफ़ी किसान भी ने इसका चयन किया था और काफ़ी अच्छी पैदावार भी निकल करके आई है। तो किसान भी अब पूसा बासमती की अगर बात करूँ तो आपको एक एकड़ में करीब 6 किलोग्राम बीज की आवश्यकता पड़ेगी नर्सरी डालने के लिए। और बात करते हैं किसान जी कितने दिन में पककर के तैयार हो जाता है, तो किसान भी मैं आपको बताना चाहूँगा 120 से लेकर 125 दिन में पककर के ये तैयार हो जाता है। अगर इसकी मैं बात करूँ इसके पौधे की मध्यवर्गीय जो हाइट होती है वो एक एकड़ में किसान भाइयों मध्यवर्गीय जो हाइट होती है किसान भाइयों उसकी 105 सेंटीमीटर की मध्यवर्गीय हाइट होती है, जिस वजह से हमारा जो धान होता है वो गिरता नहीं है। काफ़ी हमारे किसान भाइयों का सवाल तो उनका धान गिर जाता है, लेकिन इसमें ऐसी आपको देखने को समस्या नहीं मिलेगी। दूसरा हमारे काफ़ी किसान भाइयों का सवाल होता है कि इसमें हल्दी रोग लगेगा या नहीं लगेगा। किसान भाई इसमें रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है, जिससे इसमें हल्दी रोग बिल्कुल नहीं लगता है। काफ़ी हमारे किसान भाई इस स्प्रे का प्रयोग करते हैं, इससे उनका पैसा भी खर्च होता है, टाइम का भी काफ़ी ज़्यादा खर्च होता है। तो किसान भी आपको इसमें स्प्रे भी कम करना पड़ेगा क्योंकि इसमें रोग प्रतिरोधक क्षमता है। पूसा बासमती 1509 की एक खासियत और है किसान भाई, इसका चावल खाने में काफ़ी ज़्यादा स्वादिष्ट होता है, इसका चावल टूटता नहीं है, इसलिए किसान भाई आपको मार्केट में जो इसका प्राइस मिलेगा वो प्राइस भी आपको अधिक मिलेगा। दूसरा मैं बात करूँ किसान भाइयों कि इसके एक एकड़ में करीब आप 28 लेकर 30 क्विंटल एकड़ आराम से इसकी कटाई करके अच्छा पैदावार ले सकते हो। काफ़ी हमारे किसान भी इसका पिछले साल भी 30 क्विंटल के आसपास उन्होंने पैदावार लिया है, तो आप भी इसका सही तरीके से खाद मैनेजमेंट करके अच्छा पैदावार ले सकते हो। अब बात करते हैं किसान भाई दूसरी वैरायटी जो काफ़ी फेमस वो भी वैरायटी है, अगर आप उसका चयन करते हो तो इन दोनों में से किसी एक का आप चयन कर सकते हो। दूसरा जो वैरायटी पूसा बासमती 1637 किसान भाई, ये काफ़ी ज़्यादा फेमस वैरायटी है और ये ज़्यादा पुरानी वैरायटी नहीं है, 2 साल पहले ही विकसित हुई वैरायटी है और हमारे काफ़ी किसान भाई 2 साल में लगा करके काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस किया है और काफ़ी अच्छी पैदावार भी ली है, तो आप इसका चयन कर सकते हो। अगर मैं बात करूँ इसकी नर्सरी के लिए आपको 6 से 7 किलोग्राम धान की आवश्यकता पड़ेगी, आप इसकी नर्सरी डालने के लिए आप 6 से 7 किलोग्राम धान की आवश्यकता पड़ेगी। दूसरा मैं बात करूँ किसान ये पक करके कितने दिन में तैयार हो, तो करीब 125 लेकर 130 दिन में ही पक करके तैयार हो जाता है, जिससे हमारे काफ़ी किसान भाइयों को एक फ़ायदा और होता है कि अगर कोई अगली फसल जैसे आलू की फसल मटर की फसल कोई और फसल लगाने जा रहे हो तो उसके लिए भी वो टाइम से पहले उनका खेत खाली हुआ तो दूसरी फसल लगा कर भी आप अच्छा पैदावार ले सकते हो। दूसरा मैं बात करूँ किसान भाइयों कि इसके जो मध्यवर्गीय हाइट होती है वो करीब 100 से लेकर 95 से लेकर 100 सेंटीमीटर होती है, तो इसलिए आपका धान गिरेगा भी नहीं और इसमें रोग प्रतिरोधक क्षमता काफ़ी ज़्यादा होती है, तो आपके काफ़ी ज़्यादा समस्या होती है कि काफ़ी हमारे कीटनाशक काफ़ी हमारी फंगस लग जाती है, तो इसमें ऐसा बिल्कुल नहीं होता, हल्दी रोग तो बिल्कुल नहीं लगता किसान भाइयों इसमें। काफ़ी हमारे किसान भाइयों का डाउट होता है कि पूसा बासमती में हल्दी रोग लगता है या नहीं लगता है, तो किसान भाइयों मैं आपको क्लियर कर देता हूँ इसमें हल्दी रोग नहीं लगता है, तो आप इसका और ब्लास्ट रोग एक आता है किसान भाई, ब्लास्ट रोग भी इसमें नहीं लगता है, तो आप इसका चेंज करके अच्छा पैदावार ले सकते हो। किसान भाई एक चीज़ मैं और बताना चाहूँगा कि इसके जो किल्ले होते हैं उसमें एक किल्ले में कहीं 28 से 30 किल्ले निकल करके आते हैं, उसकी बाली काफ़ी ज़्यादा घुमावदार लच्छेदार होती है, जिससे हमारे जो धान की जो बाली होती है उसमें जो धान होता है वो दाना काफ़ी चमकीला वजनदार होता है, जिस वजह से हमारी जो ओवरऑल पैदावार में काफ़ी ज़्यादा वेट अच्छा निकल करके आता है। तो किसान भाई जो मैंने आपको 2 टॉप 2 वैरायटी बताई थी और आप किसी एक का चयन करके आप धान की खेती करते हो तो अपनी धान की फसल से अच्छा पैदावार ले सकते हो और काफ़ी अच्छे रेट ले सकते हो मार्केट से और काफ़ी ज़्यादा मुनाफा ले सकते हो। तो उम्मीद करता हूँ किसान भाई मैं आपको एक सही और एक सटीक जानकारी दे पाऊँगा। हमारी वीडियो आपको पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और अगर आपका कोई सवाल है किसान भाई तो आप हमें डायरेक्टली कमेंट करके पूछ सकते हैं, आपका सवाल होगा उसका मैं तुरंत ही जवाब देने की कोशिश करूँगा।